माशाल्लाह से ये दोनों हंसों का जोड़ा इस वक्त बैठा है। अक्षय के पापा ले आए हैं जी दही भल्ले और अक्षय खड़ी है, रोटी भी आ गई है। और इधर असगर भाई वीडियो एडिट कर रहे हैं, कदम साहब वो जी आकर इस पे लेट गए, हमें थक गए। चले कोई नहीं, खाना लगाते हैं ना, तो खाना लगा भाभी को, भाई को तो होगी भूख की तरफ, क्योंकि उन्होंने चाय पापे खाए हैं ना। हाँ जी हाँ जी, तो मैं रोटी सालन मंगवाई। हाँ जी, मैंने कहा दही भल्ले भी है, रात वाला सालन भी रखा हुआ, अचार भी है फ्रिज में। हाँ जी, तो निकालो जल्दी फटाफट खाना, और लगी है भूख उन्हें, तो जाहिर बात है उन्हें खाना वगैरह दो। क्योंकि भाभी ने तो मैंने कहा चले अब जो सना दिन का गुजार हो जाएगा, शाम का फिर जो ना बाद में देखते हैं कि क्या बनता है क्या नहीं, भाभी से पूछने हैं क्या बनाना है। बीबी बेटा बैठो अंदर, मैं ना ये खाना वगैरह लेके रोटी लगाई के अच्छे अखबार में रखती। हाँ जी, और मेरा बेटा लेके आया मेरे लिए पानी, बाउल कहाँ मिले बड़े वाले, हमने बड़े वाले बाउल नहीं मिल रहे, आज धुले होंगे वो, एक ही बाउल है, ये एक ही फिर रहा है अपना, बाकी पता नहीं किधर है, तुम्हें पता होगा। शीशे के बर्तन सारे यही मैं धोती जो से इन्हें फ्रिज में रख, वो हाँ। फ्रिज में क्या दिन से उसमें, हाँ फ्रिज में रख देना धो के ना। सर जी नहीं, फ्रिज का बताया कि तबीयत खराब है कमजोरी की वजह से, अल्लाह बहुत ही कुछ मुंह से निकलता कुछ, उफ अल्लाह। दही भल्ले नहीं, आवाज लगाता था एक बंदा, अच्छा मोहल्ले में आता था ना, अच्छा अच्छा, तो आवाज ऐसी लगाते थे दही भल्ले। ज्यादा नहीं ले आया आप? नहीं मैं ज्यादा तो नहीं लाया, मैंने कहा बंदे देख के लाया हूँ ना मैं, अच्छा क्योंकि भाई ने भी खाना खाना है, आखिर भाई ने भी आना, उन्होंने भी खाना है। मिर्च अलग निकाल लेते, किसी कटोरी में इसकी मिर्च निकाल लें जी, जिसको जितनी जरूरत उसके हिसाब से वो ले लें, सही है ना। कर दो नुकसान सारा, बेबी हाथों में ताकत नहीं है काम करने की, क्या करूं, लेकिन करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, मैं आखिर कब तक घर में रहूंगा पता है ना, अल्लाह ताला आपकी भी जॉब पर अच्छा से इंतजाम कर दे, आमीन, मेरी परेशानी भी खत्म हो, फिर तो कोई बात नहीं है, हम एक दिन पका लेंगे दो दिन खा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बर्तन अपने उतने लगा लेंगे जो फौरन किया और फौरन जो है ना उनको धो लेगा, सही ठीक है, अपना रात कोई काम खत्म करके जैसे पहले किया करते दोनों मिलकर, आज भी अब भी इंशाल्लाह वही रूटीन शुरू कर देनी हमने। जी जी ठीक है, एक्शन ने निकाला है अचार और मोहम्मद उल्टा लेटा हुआ है यहाँ पर, और पता नहीं कर क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही इसकी लड़के की, और इधर जो है मेरी मैडम ले आई है खाना और लगा रही है अंदर खाना, ताकि दस्तरखान दस्तरखान दस्तरखान, ढूंढ लो किधर है, इधर तो नहीं पड़ा हुआ, अंबर ने रखा हुआ है, नहीं जी कैक्शा ने रखा हुआ, ये तो वाकई अच्छा वाकई अचार हैं, सिर्फ अचार मिस्सी रोटी और अचार सबस, उसमें अचार में नहीं है, है नहीं है, वो खाली होगी फिर, इन्होंने उसमें थी सही, उसमें सारा दूसरा है ना, मेरी दस्तरखान लग चुका है, दस्तरखान लग चुका है, हम थोड़ा ना अपने ब्लॉग में दुआ सलाम कर ला, सही है अच्छा। सही जी, माशाल्लाह दस्तरखान लग गया है, और भाभी समीना भी खाने के लिए रेडी नहीं हुई अभी तक, और बच्चे माशाल्लाह बैठे हैं,
और मैडम मेरी ये बैठी है, हम इधर कैमरा मैन ही कर रहे हैं और भाई जान ये खड़े हैं। तो पसीने आना शुरू हो जाते हैं ना, सोते जैसे मैं अब बेहोश हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, होश दिलवा लेंगे तुम्हें, टेंशन ना लो। ऐसा भी होता है। तो जी हल्की फुल्की बूंदा बांदी शुरू हो गई, चलता बादल है, अभी बंद हो जाएगी, सारा बाकी आसमान साफ है। हाँ हो तो रही है हल्की फुल्की, वो उतारता हूँ मैं। अच्छा बादल है लेकिन इतने नहीं। हाँ देखो मुश्किल लग रही है बारिश, लेकिन बारिश होता रही है, हल्की फुल्की है। इसके बाद निकल आई है धूप और कैक्षा लगा रही है उस तरफ झाड़ू। बाबूजी बर्तन इकट्ठे किए अंदर हैं? अभी नहीं किए, या इकट्ठे किए मैं अंदर? अच्छा चलो मैं देख लेता हूँ, अगर बर्तन इकट्ठे हैं तो मैं बर्तन धो लेता हूँ फिर है। बर्तन में थोड़े से ही है, मैं धो लेता हूँ, ये जो पड़े वो धो लेता हूँ मैं। ठीक है और ये असगर भाई माशाल्लाह क्या बात है, हैं खा रहे हैं मिठाई, बहुत अच्छे भाई, खानी चाहिए मिठाई, मुंह को मीठा रखना चाहिए, जबान भी मीठी रहती है, इससे कड़वी चीज खाओ तो जबान भी कड़वी रहती है। तो जी ये कैक्शन ने धो दिए सारे बर्तन, धुल गए यही थे। अच्छा चलो मैं लगाता हूँ उसमें। तो जी ये देखिए मेरी प्यारी सी छोटी सी नन्नी सी मुन्नी सी मेरी लाडो गुड़िया मेरी बेटी, ये सब धो रही है शीशे के बर्तन और साथ जो खाने के बर्तन थे वो, और मैडम मेरी जो है यहाँ फिर रही है। मैडम क्या कर रही हैं आप? अच्छा क्या कहूँ कि अक्षय से तो जी आए, ये जो है चिपक गया मेरी टांग में और कह रहा है कि मुझे साथ साथ लेकर फिरो। मम्मा जी मैं आपको नहीं कर सकूंगी, आपकी तबीयत खराब है। हाँ चलो, मुझे तो नहीं एहसास आया, इसको तो आया ना। साधन का क्या करना है? रात को फिर देख लो क्या पकाना, मैं ला देता हूँ। हिम्मत तो नहीं है। क्या पकाना, क्या है समझ नहीं आया। अच्छा चले देखते हैं उसका भी, बाहर से पूरा भी नहीं होगा। देखते हैं ठीक है। ये दोनों हंसों का जोड़ा इस वक्त बैठा है सहन में और हवा ले रहा है साथ बच्चों के। हवा नहीं है तो फिर अंदर बैठ जाओ, क्यों गर्मी में मर रहे हो? वीडियो बनानी है तो बना। अच्छा चलो ठीक है, बर्तन धोकर आई हो, चूल्हा साफ किया, बर्तन धोए, झाड़ू लगाई। मैंने मना किया था कि बर्तन ना धो, चलो आप झाड़ू लगा लो, बर्तन मैं धो लूँ जी। बेडशीट सही करनी है? कर दी है। हाँ वो तो कर दी है, तो आपने नहीं करना था ना, मैंने आपको मना भी किया था, अपने अपने पेपर की तैयारी करो बस आप बैठ कर। मैं अंदर थी तो आपने, मैं लेटी क्यों जाकर, आपने बर्तन भी धो मारे सारे, झाड़ू भी लगा दी, गंद हुआ हुआ था। कोई बात नहीं, खैर है, मैं खुद कर लेती जैसे तैसे होता। अब सुबह पेपर की तैयारी है या नहीं है? नहीं, पेपर तो परसों है, तो सुबह तैयारी है या नहीं है? पूरी तैयारी है। आज का टेस्ट कैसा होगा? अच्छा, मैंने कहा आपका पेपर बड़ा अच्छा हुआ है। वाह जी वाह, माशाल्लाह।
बाहर बैठे हुए, मैंने कहा था बाहर गर्मी है ना बहुत ज्यादा, बाकी समीन आई, मैंने कहा भी बाहर बैठे हुए अंदर आ जाओ। अच्छा अच्छा अभी हो गया काम, कमरे के अंदर आ चुके हैं, पंखा भी चल रहा है, ठंडी लाइटें बंद है बस कमरे के। वो खुद हमने किया लाला जी को ना कॉल की है, वो के दूर थे कहते नज़दीक आ रहा हूँ, फिर वो ना दूसरे रक्षे वगैरह पकड़े ना यहाँ से, तो वो बस फिर अपनी मर्जी के मांगते हैं, वो कहते हैं हमें इतने नहीं इतने पैसे, फिर वो जिद बैठ जाते हैं। फिर लाला जी का ये है कि हम जितने पैसे उसे दे देते हैं ना, वो चुप करके रख लेता है, वो बोलता नहीं है, हमारे साथ जाएगा और हमें लेकर लेकर आए। फिर एक अहतमाद वाला बंदा होता है, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, हम लाला जी को कॉल करते हैं, लाला जी आ जाते हैं, घर का बंदा है वो हमारे, तो दूसरी टेंशन वाली बात कोई नहीं है उसके साथ। चले अगर हम आधा घंटा 20 मिनट अंदर रुके भी सही आप, तो भाई खड़ा होगा इंतजार में, फिर ये नहीं होगा वहाँ से निकल कर भाई दूसरा रक्षा ढूंढे, वो अपनी मर्जी बताए, फिर ना वापसी पे ना रात के दसर इधर के रक्षे मिलते भी नहीं है, बहुत मुश्किल मिलते हैं, इसलिए हम लाला जी के इंतजार कर रहे हैं आपके भाई। वो कह रहे हैं कि भाई अभी तक पहुंचे नहीं, मैंने कहा दोबारा कॉल करें, फिर दोबारा फिर कॉल की, कह रहे मैं आ रहा हूँ। कि भी मैंने साफ सफाई वगैरह कर दी है और इधर की भी सारी चूल्हे वगैरह भी साफ कर दिए हैं, नमक मिर्च का डब्बा और इधर किचन के बर्तन वगैरह ये सारी चीज़ें साफ कर दी हैं कि मैंने, और अंदर कमरा कमरा भी मैंने सारा साफ कर दिया है। गोलू मोलू गए, गोलू मोलू। तो जी आप तो जा रहे हैं भाभी के साथ, भाई के साथ, लाला जी आगे हैं, फिर आगे का व्लॉग नहीं बनेगा हमारा ना, तो हम अपना घर ही बनाते हैं ना, मैं तो घर ही हूँ, कक्षा भी घर ही है। और आपने ये कमीज डाल दिया है पापा ने, बहुत प्यारा केशव गया साहब के चुना पत्र, तो बोधम बोध भाभी जा रहे हैं इधर भाई शाह शम्मा दरबार पे, तो मैंने कहा आप हुआ है जाहिर, मैं तो उस कंडीशन में मैं नहीं जा सकती ना, मैं घर से बाहर निकलती हूँ, तो फिर कक्षा मेरे पास ही है, ठीक है मैं फिर सालन बना लूँ, ठीक है ओके ओके। तो जी कैक्षा भी अपने पापा जी के साथ चली गई है, कहने लगी उसका दिल करता था कि मैं भी जाऊं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैं अकेली हूं घर में, तो खुद हम कहने लगे मैं अंबर को कह देता हूं कि अंबर आ जाती, चलो मैं उसके साथ से बात कर लेता हूं। तो फिर अब वो खुद हम गए वहां पर, तो जाकर उन्होंने पता किया, तो उन्होंने कहा कि भाई अंबर जो उनसे ना वो तो गई है वहां पर किसी के कपड़े प्रेस करती है, तो वहाँ पे गई हैं अब शाम के टाइम, तो मुझे हंसी भी आ गई इस बात पर, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं जाने दे उन्हें, तो वो नहीं थे घर में, तो कहने लगे मैं बाजी गोशी को भेज रहा हूँ आपके पास, वो आपके पास आके बैठ जाएगी, चले आप खाना भी बना लेना क्योंकि बच्चा भी संभालोगी, और क्योंकि मुझे ये है कि मसाले वगैरह सब इकट्ठा करके दे देते तो मैं चूल्हे के पास बैठ कर सब बना लेती थी, वरना नहीं, क्योंकि टेबल जो उनसे अभी भी नहीं आया बनकर, और बस यही परेशानी है कि चाय भी मैंने अपने लिए रखी है बनने के लिए हल्की सी पत्ती डालकर, और दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया, और ये छोनू मोनू इस वक्त मेरी गोद में है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रोना नहीं रोना नहीं, तो ये इस वक्त मेरी गोद में है, ये कह रहा मुझे ले कर बैठे रहो बस।